किसानों को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, कुछ आई भाषा। किसान मंडी के जंजीरों को मुक्त और प्रेस कर दिया, इसलिए किसान की भूमि सुरक्षित रहे, जमीन की पूर्ति होगी, एक्ट में लिखा है। हम चर्चा करने के लिए तैयार, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं होगा। कहाँ है वो मंत्री? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप सबको मालूम है कि 2014 से पहले सभी पत्रकार गण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी और जब यूरिया की ज़रूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को यह रहता था कि अगर यह सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा। मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई। सुचारू रूप से यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही और इसलिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको 6 साल में किया गया, मैं उनको आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन सारे विषयों को करते 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 इस बात की देश को अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से भी हमको कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस मामले में पहले अनेक बार सरकारों के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन की जाती रही। बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर एक एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी के जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर
उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स हो गए, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफ़र करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में, तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है, वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट रिपील दिस एक्ट, बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं, उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई, 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा, और साथ ही हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे, विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी। और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई, फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा, क्योंकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था, और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए, तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला, और फिर
यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन बीच में ही 6 तारीख को 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई, 8 की रात को बातचीत हुई और बाद में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंततः हमको यह लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है, तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो, हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधान वार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं, वो कह रहे हैं जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंट को बनने तो बातचीत होगी, नहीं नहीं होगी, मोड़मी शर्त साढ़े पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो BJP के जोड़े लीडर हैं, साढ़े मंत्री जी हैं, उन्होंने कही है कि जैसा अंदोलन है एकजुट हो जाइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साड़ी चुनी हुई सरकार भारत की नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। भारत सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं होते, अमेंडमेंट ही होती है। आप बता देना चाहिए, पहले पोटा कानून, फिर टाडा कानून, फिर मीसा कानून, हुण UAPA। ये देखो जी, पहले 3 रद्द हो सकते, हुण क्यों नहीं रद्द हो सकता? इस करके नहीं रद्द हो सकता कि किसानों को धोखा देना है और जिहड़े कारपोरेट घराने हैं उन्होंने पक्ष में भुगतना है। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और APMC इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, MSP भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। ये सारी बातें हम 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पे सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का फिक्र है। अगर वो कुछ सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते।
ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आईवाश है। इसी प्रकार से बातचीत में ध्यान में आता था कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो एपीएमसी है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और एपीएमसी के भीतर टैक्स है, तो धीरे धीरे ये मंडियां दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स किस लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा, इसका फ़ायदा अंततोगत्व किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं, और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी, और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे, और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी, और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार नियम बना सके। यद्यपि इस प्रकार का नियम बने और इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये प्रावधान हमारे एक्ट में था। जब ये व्यवस्था जो हमने बनाई थी, अगर इस पर शंकाएँ कुशंकाएँ उठने लगती तो केंद्र सरकार को कानून में ये अधिकार था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए वो निर्देश दे सकें। लेकिन फिर भी हमने इस समस्या को भी उनके एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए SDM को अधिकृत किया है कानून में, और अपील सिर्फ कलेक्टर के पास होगी। हमको ये लगता था कि गांव में किसान के सबसे नज़दीक अगर मजिस्ट्रेटल पावर वाला कोई भी अधिकारी है तो वो SDM ही है। बाकी जितनी भी ऐसी संरचनाएं सरकार की हो सकती हैं जहां विवाद का निराकरण किया जा सकता है, वह सब किसान से कुछ ना कुछ ज़्यादा दूरी पर होती हैं। और जुडिशियली के क्षेत्र में हमें लगता था कि छोटा किसान है, छोटा व्यापार होगा, छोटा एग्रीमेंट होगा, तो वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में फिर वकील भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तमाम कागज़ पत्र लगाने पड़ेंगे, और न्यायालय को तो कहा नहीं जा सकता कि आप इतने दिन में निर्णय दो, और समय लगेगा, न्यायालय पर काम का बोझ भी ज़्यादा है। इसलिए हमें लगता था कि SDM को हम निर्देश कानून में बांध सकते हैं, इसलिए SDM का विषय रखा था। लेकिन उन लोगों को लगता था कि न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस शंका के समाधान के लिए भी हमने यह प्रस्ताव में दिया कि भाई न्यायालय में जिस किसान को जाना हो तो ये विकल्प भी हम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कृषक का मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत कृषक और प्रोसेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, तो उनको लगता था कि यह एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी, और हमने उनको कहा कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार देते हैं, और जब तक राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बना पाती है तब तक कोई एग्रीमेंट होगा तो लिखित में उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर SDM कार्यालय में जमा करना पड़ेगी, जिससे वो दस्तावेज सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे। फिर वो एक बात ये भी आती है बड़ा ज़ोर शोर से
और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लंबे समय से गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक कर्नाटक में, अनेक राज्यों में चल रही है। अभी तक कभी ऐसा अनुभव आया नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका प्रबंध पहले से एक्ट में कर रखा था। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज, पट्टा, करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा, और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा। ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये शंका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अधोसंरचना पर कोई लोन ले रखा होगा तो वो निकल जाएगा और वो लोन किसान के ऊपर आएगा, तो ऐसी स्थिति में किसान को वो लोन पटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम प्रावधान करने को तैयार हैं कि अगर स्पॉन्सर किसी प्रकार का लोन लेने की चेष्टा उस अधोसंरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी इस शंका का भी समाधान हो सकता है। कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में तीन ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉरपोरेट्स के लिए हैं, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल जी, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14-7 मद है, उसे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। द अमाउंट पेबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द एपिलेंट अथॉरिटी एज द केस मे बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी, ये एक्ट में लिखा है। दूसरा, वो किसान की भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर MSP की खरीद के मामले में उन सब के मन में ये बात आती थी कि भाई MSP पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि MSP चलती रहेगी, इस पर कोई ख़तरा नहीं है। MSP की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय MSP घोषित कर दी है। MSP को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है, खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है, और MSP से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और MSP के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं, हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा
कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ NCR ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे। और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है। और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। सवाल आया सी कि खेती मंत्री कहते हैं कि ठंड में बैठे हैं किसान, बच्चे ठंड में बैठे, बुजुर्ग ठंड में बैठे हैं। देखो मगरमच्छ के हंजू है, अब वो लोग हैं जो बर्फ पैती है खेत में पानी डालते, रात में खड़े होने पानी में, कोई ठंड का प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा सानू प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा लोगों ने सहयोग दिया, कंबल बांटे है, आप पूरा लेके हैं प्रबंध, घटो घट 3-4 महीने का पूरा प्रबंध करके हैं। ये मगरमच्छ के हंजू है, जे इन्ना दर्द था फिर पंजाब में आंदोलन जो होया उदो ही इसको सानू बुलाकर इसका हल निकालना। दूसरी गल, एक पहला सवाल आया था खट्टर सरकार और यूपी सरकार या दिल्ली सरकार, ये तीनों राय बनाकर किसानों को घेरा डालेंगे। देखो आज महत्ता वाला दिवस है, 10 दिसंबर मनुखी अधिकारों का दिवस है, ये हिटलर से पहले भी चलता था, हिटलर ने भी बड़ा कुछ किया, चैम्बरा में गैस सड़ कर लोगों को मार दिया, मोदी हिटलर की लाइनों पर चल रही है मोदी सरकार। अगर इस दिन पर अजिहा कोई ऐलान करते है तो करना चाहिए उनको, हिटलर का दर्जा दिएंगे वे, ये करेंगे हम तैयार हैं। हमने द्वार खोलने की कोशिश की है लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था। सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही है जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, 25 से करीब मृतक हो चुकी है किसानों की, उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता, ये सवाल जरूर उठाइए सरकार से पूछिए, अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे उन्होंने पूछा कि अगर ये तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट कराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये तो भी नहीं बोले, दो सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे। सरकार बहुत जोर देकर यह कहना चाहती है कि कानून का वह प्रावधान
जो किसान के लिए प्रतिकूलता पैदा करता हो, जिसमें किसान का नुकसान किसी को दिखाई देता हो, उस प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने के लिए पहले भी तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार रहेगी। जब किसान संगठनों ने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कल, तो हमें लगता है कि उस प्रपोजल्स को ठीक करवाने के लिए या प्रपोजल दुरुस्त लाने के लिए कल तक का हमारा प्रोटेस्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट को वाइडर स्केल पे ले जाना पड़ा और इंटेंसीफाई करना पड़ा। दैट इज व्हाई एक्चुअली उनको कल तक इस चीज पर मान जाना चाहिए था। दूसरा, क्या प्रोटेस्ट जो चल रहा है हम ऐसे ही लोगों को बिठा के रखें? ये तो 10 दिन में बेचारे यहाँ उब जाएंगे अगर कुछ और देश में नहीं होगा तो। उसने हमने कॉल दी किसानों को, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, यह चर्चा के दौरान ही तय हुआ था। जो विषय चिन्हित किए गए वो भी उस चर्चा का निचोड़ ही थे, तो सरकार ने अपना मतलब प्रकट कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर उस पर भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है तो वो ज़रूर आएँ और हम लोग खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं, और किसी भी समय उनका प्रस्ताव आएगा तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कौन है क्या है, तो मैं समझता हूँ प्रेस की आंखें बहुत तेज होती हैं, इसको मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। सरकार को देखिए 3 कानून रिपील करने चाहिए, फिर दूसरी बातें आगे बढ़ सकती हैं। डॉक्टर सरपाल, एक मिनट, जो इनवाइट तुम देते हैं अभी तुम आ जाओ बैठक के लिए, जितने बिंदु चर्चा कई दौर की हुई, उस चर्चा के निचोड़ में सरकार ने ही चिन्हित किया कि ये विषय आपकी चर्चा में ध्यान में आते हैं। उन्होंने भी ये माना कि हाँ ये बिंदु चर्चा के दौरान आए हैं, तो हमने कहा कि हम अपना लिखित प्रस्ताव आपको देंगे। हमने लिखित प्रस्ताव उन्हें दे दिया है। इस प्रस्ताव में उनको लगता है कि कोई बात उनकी रह गई है तो चर्चा करनी चाहिए। जो हमने कहा है उसमें शब्दावली में कोई उनको आपत्ति है तो भी चर्चा करनी चाहिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो तो पहला ही अड़ियल रवैया था, बिलकुल बायकट नहीं किया अपने, उत्थे जाकर बायकट कर, अगर मीटिंग बुला लेते हैं फिर कहते हैं कि डिस्कस शुरू करो फिर बायकट हो सकता है, वो बायकट नहीं है। इन कानूनों के कारण MSP प्रभावित नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और मैंने स्वयं ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया है MSP पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी, इसलिए किसी को कोई शंका इसमें होनी नहीं चाहिए। गृह मंत्री दे नाल रात नूं मीटिंग हुई है, काफ़ी शोर शराबा होया मीडिया दे उपर, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਖੈਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 32 ਦੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜੋ 12 ਔਰ 14 ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹਾਇਕ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ 12 ਤਰੀਕ ਕੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਪੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਕੋ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
14 तरीक डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे मतलब डीसी दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि अंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के दफ्तर लीडरों के घर अगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तरीक को कि जिन्हें पंजाब के डीसी हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दिया 30 जथेबंदियों ने पंजाब से जो बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तरीक अज 10 दिसंबर तक तो अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तरीक न मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था आज दी मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उहदी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसंमति से लिए है, तो इन फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का अंदोलन पंजाब में चल रहा, जिहड़े मैं पहला गल्लां बताईआं कि कित्थे कित्थे धरने चलते हैं और डीसी दफ्तरों भी होणगे, तो जिहड़ी लाइन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वह भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा अंदोलन है पंजाब में, इस करके पंजाब राह सिरा बनया होया पूरे भारत को अंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों लखों किसान पंजाब के दिल्ली में बार्डर पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है ते बिल्कुल धरने भी जारी है। नहीं, आपकी बात जो चिंता है वो वाजिब है और हमने किसानों को यूनियंस को पहले भी कहा है और आज भी मैंने अभी कहा ही है कि कुल मिला के आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए। और मैं यूनियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के जब चर्चा चल रही है तो आगे के आंदोलन की घोषणा ये वाजिब नहीं है। अभी हमने प्रस्ताव कल भेजा, अब कल आपको उस प्रस्ताव पर जो कहना है वो अगले दिन वार्ता में कहा जा सकता है, तो जब वार्ता टूट जाए तो आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा करना उचित होता है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यूनियंस को आग्रह करूँगा कि वो अपने अगले चरण के आंदोलन को वापस लेकर वार्ता के माध्यम से ही रास्ता खोजना यह उचित रहेगा। इसमें इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए, कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे, हमारा डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? अब बंगाल बिहार यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की एपीएमसी मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं वो चाहे जो जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो हम इसेंशली इस चीज़ के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ सुधार हो सकता। मैं और पीयूष गोयल जी अगर आपके सामने हैं तो बाकी तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपके संज्ञान में हैं ही। कुल मिला के आज की प्रेस का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि निश्चित रूप से सरकार वार्ता के लिए पूरी तरह तत्पर है और निश्चित रूप से हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वो जैसे ही उनकी सूचना आएगी हम वार्ता करेंगे। उन्होंने अपील जरूर की थी कि किसान यूनियन साढ़े ना गलबात करन, असी रस्ते बंद नहीं किते, असी भी कहने रस्ते असी भी बंद नहीं किते, पर कोई कंक्रीट एदा समस्या दा हल जो सू भेजे अभी गलबात ले चले जावे। जो उन्होंने कल भेजा वह तो अभी हर बार जो डिबेट बार 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 कितनी बार डिबेट करोगे, असी एक एक मीटिंग छे छे घंटे उन्होंने डिस्कस करके देख लिया और कल
मैं अफसोस न कहना पैंदा साढ़े खेती मंत्री जदों होम मिनिस्टर के सामने पेश कर रहे थे भी की गलबात हुई साढ़ा पक्ष दस ही नहीं सी रहे झूठ बोल रहे थे जे खेती मंत्री झूठ बोले देश के दे टॉप पोजिशन से बैठा तो की प्रभाव लोगे बहुत अफसोस होया सी कह के आए उस वेले कहा होम मिनिस्टर उसी वक्त हमने कहा कि अगर टॉप सीटों पे बैठे लोग झूठ बोलेंगे वो बात छुपाएंगे तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। राजीवाल जी खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं भी सानू बहुत चिंता है भी तुसी ठंड में इतने सारे लोग बैठे हो नाल उन्होंने कोविड का भी जिक्र किया उन्हें तो डक प्रतिक्रम किया। मेरी बात समझिए जब वो आज खुद मान गए हैं कि हमने ये कानून ट्रेड और कॉमर्स के लिए बनाया है इसका मतलब किसानों के लिए तो नहीं बनाया तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट छोड़ दें हमें स्टेट गवर्नमेंट के हाल पे ये रिपील कर दें कानून हमें कोई शौक है यहाँ बैठने का हम घर बार छोड़ के 15 दिन से यहाँ बैठे कोई शौक है पाकिस्तान और चाइना का आज दोनों मंत्रियों को बार बार प्रेस ने ये सवाल पूछा उन्होंने कहा नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते सही मायनों में अगर मेरे से पूछो उन लोगों के दिमाग में नुक्स पड़ गया है हम किसान हैं हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर स्टेज शेयर नहीं करते तो इसका मतलब है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किसान ही है कोई इनको पाकिस्तान दिन रात दिखाई पड़ता है चीन दिखाई पड़ता है मुझे बताइए हमारा एक बच्चा बॉर्डर पे 4-5 दिन पहले शहीद हो गया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे उसका बाप यहाँ बैठा था कहाँ है वो मंत्री शर्म नहीं आती उसको ऐसा एलिगेशन लगाते हुए